हमारी सरकार द्वारा बनकर तैयार हुआ उसमें अभी तक ये मूलभूत सुविधाएं भी जो है शुरू नहीं कर पाए हैं। तो हमने इसके अतिरिक्त इस मामले में पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो उठाया, क्योंकि एक अखबार में ये मामला जो है उजागर हुआ था और हमने यही कहा कि इस अस्पताल का नाम दीनदयाल उपाध्याय से बदल कर जो है दैनिया अस्पताल जो है वो सरकार को कर देना चाहिए। और एक और तो सरकार गवर्नर एड्रेस के माध्यम से अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को गिनवा रही है, मगर जो प्रदेश की राजधानी का जो मुख्य अस्पताल है, जो उसकी दयनीय परिस्थिति है, उसके बारे में सरकार को ना कोई चिंता है ना कोई परेशानी है। और जो इनके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज जी, जहाँ तो उनको खड़े होकर हमारी बात का समर्थन करना चाहिए कि इस मुद्दे को हम सरकार के समक्ष रखें, वो उल्टा हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता के हित में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। का जो स्तर है बहुत ऊंचा है। नरेगा में मैं कह सकता हूँ लगभग कोई 450-450 करोड़ रुपए जब से नरेगा शुरू हुआ होगा उसका पैसा आया होगा, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कम से कम 250-300 करोड़ रुपए का घोटाला शिलाई ब्लॉक में है। और नीचे से लेकर के जैसे BDO ऑफिस के अधिकारी हैं, जिला के अधिकारी हैं, और मैं कह सकता हूँ सेक्रेटरिएट में भी जो उच्च स्तर के अधिकारी बैठे हुए वो सब लोगों की इनकी मिली भगत है। और कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी इंक्वायरी है, उसको दबा दिया जाता है। मैंने आज मांग किया मुख्यमंत्री से कि विजिलेंस से या कोई ऐसी एजेंसी से जो इसमें जो है इंक्वायरी कराई जाए ताकि सारा पर्दाफाश हो सके और भ्रष्टाचार पे जो है रोकथाम लग सके। सर, अधिकारियों में भ्रष्टाचार हो गया है कि सरकार का दबदबा खत्म होगा, क्या कहाँ खामी कहाँ लगती है? नहीं देखो, भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि जब सरकार का भी संरक्षण होता है तो भ्रष्टाचार भी होता है। अब सरकार की अगर नियत ही भ्रष्टाचार को रोकने की नहीं है और अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जब कड़ी कार्रवाई नहीं लेंगे तो फिर कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ता है और उनको लगता है कि हम चाहे भ्रष्टाचार करें चाहे जो मर्जी करें कोई हमें रोकने और बोलने वाला नहीं है। थैंक यू।